123 पृष्ठ पर, 123 पृष्ठ पे तीसरे स्कंद में तीसरा स्कंद। अब यहां विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सचिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्यों में तत्पर रहते हैं। पुणात्माओं, इस देवी भागवत, इस पवित्र सदग्रंथ ने इन ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में ये स्पष्ट कर दिया कि ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये भी स्पष्ट हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। इसमें ये स्पष्ट हो गया। अब आप जी को दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में विवाद हो गया। किस बात के ऊपर? के ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के स्थान पर चले गए और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। ब्रह्मा जी कहने लगा कि ओ विष्णु, तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, क्योंकि मैं सारी सृष्टि का रचन वाला हूँ, मैं प्रजा पिता हूँ और तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है और तू आज मेरा सत्कार नहीं कर रहा अभिमान के कारण, पुत्र उठ मेरा सत्कार कर। विष्णु जी कहता है कि तू मेरा बेटा है, मेरी नाभि कमल से तेरी उत्पत्ति हुई है और तू उल्टा बाप को पुत्र बोलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा कहे मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरा बाप और आपस में इनके गुट्टम गुट्टा लट्ठम लट्ठा हथियार निकाल ली, सेना आ गई और युद्ध शुरू हो गया। ये लड़ाई तो तीसरी चौथी कक्षा के बालक कराया करें। ये जिनको हम परमात्मा मान कर पूज रहे थे, ये तो चौथी पांचवी कक्षा के बालका तभी कम बुद्धि के व्यक्ति हैं। ठीक है, इनके संस्कार अच्छे थे, इनको ये प्रश्न पोस्ट मिल गई, यहाँ के स्वामी बना दिए एक ब्रह्मांड के, लेकिन इनके इस आचरण से पता लगता है कि ये एक अन्य के नहीं, ये कोई बात है। वो कह मैं तेरा बापर, वो कह मैं तेरा बापर, लट्ठम लट्ठा। तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे झगड़ रहे होते हैं, अध्यापक पूछता है क्या झगड़ा है भाई तुम्हारा? एक कहता जी यूं ने बोला मैं तेरा बाप है, वो दूसरा कहेगा ना जी पहले यूं ने बोला मैं तेरा बाप, इसलिए लड़े थे।
तो ऐसी लड़ाई तो हमारे वो पूज्य देव करा करते जिन नाम भगवान मान रहे थे। अब परमात्मा कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले आकर यही बताया था कि ये परमात्मा नहीं है जिनको तुम पूज रहे हो, ये तो आप जैसे जीव हैं। ठीक है, ये पीव नो बन गए, यहाँ के स्वामी बन गए, ये पिछले संस्कार किसी जन्म में न अच्छे पुण्य किए हुए थे, साधनाएं अच्छी की हुई थी, ये तीन लोक के राजा बना रखे हैं। अपने आत्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ये शब्द बोलते थे तो प्रत्येक प्राणी घना दुख मना करता, क्योंकि हमने ये लोकवेद उसे कहते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस स्टडी जिन्ह कर रखी है, करवा रखी है, सिलेबस से बाहर जो ज्ञान शिक्षा दे रखी हो बच्चों को, तो वो बच्चे फिर सिलेबस के का उनको पता नहीं होता पाठ्यक्रम में क्या लिखा है, तो वो विरोध करते हैं क्योंकि उन झूठे टीचरों ने गलत ज्ञान गलत पढ़ाई करा रखी है, वो इस जिस कारण से वो सभी भ्रमित हैं। तो ऐसे ही हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, ब्राह्मण थे, मंडलेश्वर महंत थे, आचार्य थे, ये सभी आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया करते थे, इनको सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था, जिस कारण से 600 वर्ष पहले परमात्मा यही बताया करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम, तुम जिन किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे कष्ट भी निवारण नहीं हो पा रहे, और परमात्मा की भक्ति मोक्ष और आने वाले आपदाओं से बचने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हम साधना किया करते हैं। तो आज आप जी इसलिए स्वीकार करोगे क्योंकि आप शिक्षित हैं, वर्तमान में यदि शिक्षा का कोई लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं देखकर और परमात्मा को पहचान सकेंगे और अपना कल्याण करा लेंगे, अन्यथा इस एजुकेशन की कति आवश्यकता नहीं थी। इस एजुकेशन ने क्या बना दिए, परमाणु बम बनवा दिए, हम बेईमान बना दिए, भाई से भाई का प्यार नहीं, बहन भाई का प्यार नहीं, मात पिता से कोई लगाव रहा नहीं, हम इतने चातुर प्राणी हो गए। और इससे अगर लाभ है तो केवल परमात्मा के पाने के मार्ग में ये सहयोगी है शिक्षा, इसलिए मालिक ने यह समय निर्धारित किया कि कलयुग में ये तो हम भी बिगड़ेंगे, कलयुग ही होगा ये, फिर इसमें ये परमात्मा को पहचान कर पुण्यात्माएं सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के रोग से समाप्त अपना कल्याण करवा लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी नंदीकेश्वर भगवान शिव का एक वाहन है, वो बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया, तो आपस में वो लड़ रहे थे, तो उस काल भगवान ने जो ब्रह्मा विष्णु का पिता है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जो पिता है, उसने उन दोनों के बीच में एक स्तंभ गाड़ दिया, एक खंभा गाड़ दिया जो बहुत तेजों में था, वो फिर युद्ध बंद कर गए, उस खंभ की उस स्तंभ की उस पिलर के ऊपर नीचे जाकर उसका एंड देखने लगे। ये लंबी कहानी है, हम अपना केवल उस उद्देश्य पर आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमात्मा नहीं है, ये ईश नहीं है, दास नहीं कह रहा, भगवान ने बताया था उसके आधार से बोल रहा है, और उधर से ये हमारे परम इनके इतिहास बता रहे हैं। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण, इसमें सबसे बड़ा फायदा हमें ये है कि इसमें संस्कृत भी विद्यमान है, ये है श्री शिव महापुराण
इसके कौन है अनुवादक? श्री शिव महापुराण। इसके अनुवादक हैं विद्या अवृद्धि, पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत, हिंदी टीका सहित। और कहाँ से प्रकाशित है? खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इतने विद्वेश्वर संहिता शिवपुराण 11 पृष्ठ पे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6-11 पृष्ठ पे यहाँ नंदीकेश्वर बता रहे हैं। नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, योगेंद्र आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखो ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञानी भी कहे हैं, अरे वीर बड़का कैसी बुद्धि इनकी। निरंजन तेरा दरबार दातनिक नहीं न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत ने कहे लबाड़, और अज्ञानी को परम विवेक की और ज्ञानी को मूड गंवार, इसको ब्रह्म ज्ञानी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ आए। कहाँ आए? जहाँ पर विष्णु जी विराजमान थे। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? अब ब्रह्मा ब्रह्मज्ञानी बताया, अरण्यकन्यो विष्णु तो कहे तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। वत्स माने बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्राश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा छो उठा, पर छो न रोक के ऊपर ते, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। ओ उसने बेटा कहे, उसने इसमें ब्रह्मा जी विष्णु जी कह रहे ब्रह्मा को, इसमें तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? क्रोध में आंख टेढ़ी और मुंह बांका, नुकन्यो क्यों कर रहा है तुम? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, ये बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे बेटा विष्णु, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? बाज गया लठ, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे, मान बड़ाई के भूखे।
मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने